आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको घर में रहना, ठीक है, इनको आपको ज़्यादा अच्छा। जब आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, जब आप डिप्रेस होते हो, आप घर में सोए रहोगे, क्योंकि डिप्रेशन का काम आ गया, सोए आप सोए रहोगे, आपको घर में कोई यूं भी नहीं लगाएगा, सजा लेगी। और जिस दिन आप 20,000-30,000 रुपये कमा के होगा तो रखोगे, उससे अगले दिन गलती नाश्ता मिलेगा, ये रियलिटी है। बिकॉज देखें, आपको जो मर्द की इज्जत है ना, उसके पैसे से, अब पैसे की मोहब्बत इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर बंदा अंधा हो जाए, आपको स्किल से मोहब्बत होनी चाहिए। स्किल आपके पास है, पैसा आपके पीछे आएगा, स्किल आपके पास नहीं है, पैसा आपके दूर भाग। कभी देखे किसी मजदूर को भूखा सोते हुए, कभी देखा किसी मैकेनिक को भूखा सोते हुए। मैंने उस दिन एक बंदे के लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया था, शॉपर्स होते हैं, शॉपर्स शॉपिंग मॉल, मैंने कहा था भाई इसकी फैक्ट्री है मेरे दोस्त की और आप इसको मेरे लिए बेचो, मैं आपको 25% कमीशन दूंगा। मैंने आगे किसी ने सोची तो वो उसको शॉपर खर्च होगा। लाइक ये माइंड सेट है ना हमारा। मेरे घर के पास रोटियों के तंदूर वाले हैं, उसने अपने 3 घर बनाए हैं। लेकिन जब इस्लाम क्या है ना, तो तिजारत के जो बिजनेस के जो पैसा है वो कितने हिस्से जो है वो बिजनेस में 90 और 10% कहाँ पे है, बाकी सोलह। चलो 90% आपकी जो इनकम है वो बिजनेस से आ सकती है। 80-20 रूल पता है, 80-20 रूल का क्या मतलब है कि आप 20% स्किल्ड ऐसे लोग कि जो आपको 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं 80% की स्किल्स के ऊपर नहीं जाता, मैं 20% की स्किल्स के ऊपर जाता हूँ, लेकिन मैं उस 20% से 80% बनाता हूँ। 1,000 रुपए से तो 200 आदमी बनाता है ना, 200 से 1,000 बनाने का मान है, समझ आ गई? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, अगर नहीं है तो मैं आगे मूव कर लूँ। अच्छा, सो बेसिकली डेमो क्लास का मकसद क्या है कि आपको ये बताया जाए कि फ्रीलांसिंग विद एन असिस्टेंट की ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है हमारी, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज नॉट अ स्कूल, दिस इज नॉट अ कॉलेज, ठीक है। हमारी स्कूल यूनिवर्सिटी में लोग जब बिजनेस पढ़ाते हैं तो वो ऐसा उस्ताद होता है जिसने कभी वो दालियों का बिजनेस नहीं किया होता, एंड ही इज टीचिंग अस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ उस यूनिवर्सिटी के उस्ताद को भी बहुत कहता हूँ कि सर आपने एक चीज़ नहीं की, देन हाउ यू कैन टीच मी। अगर मैं अमेजोन सेलर ना होता, मैं सबर भी नहीं कर सकता कि मैं अमेजोन को टीच कर सकूँ। तो भाई फिर वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कामरान मंगेश के साथ बैठा था, डिफरेंट HEC मिनिस्टर्स से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उधर भी मैंने ये सवाल उठाया DG कॉमर्स के ऊपर, जो कॉमर्स कॉलेज स्टडी की है, ठीक है, उसको मैंने कहा कि सर आप देखें ई कॉमर्स पढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं पढ़ाते हैं। मैंने कहा आपकी किस उस्ताद का दराज, अमेजोन तो दूर की बात है, दराज के ऊपर अपना स्टोर है। वो बंदा चुप हो गया, उसने कहा भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में लैक है कि इंडस्ट्री एकेडेमिया का गैप है, इस प्रैक्टिकल लिंकेज को ख़त्म करना है। प्रैक्टिकल लिंकेज को ख़त्म कैसे करेंगे, आप जैसों को एम्पावर करना। अभी चीज़ें टोटली डिफरेंट है। कोरोना से पहले आपको कभी पता था कि भाई मेरी ऑनलाइन क्लास होगी, कभी सोचा था कि भाई मैं स्कूल कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं क्लासेज होगा। कोरोना में क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन एग्जाम हुए। आजकल 80% एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम पसंद कर रहे हैं, क्यों, उनका फ्यूल बच रहा है, उनकी ट्रैफिक में रश बच रही है, रोड पे जो है ना वो आपका एनवायरमेंटल चेंजेस इफेक्ट नहीं हो रही, समझ आ रही है मेरी बात। सो इस वजह से हमने अपने आप को चेंज किया। अंग्रेज, अमेरिका, US, UK हमसे क्यों आए, इंडिया को लेकर आए। अमेजोन का वे जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर है ना, वो इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं है। लाइक क्यों, बिकॉज हम सब कुछ सही करते हैं, एक काम गलत करते हैं, वो क्या है, हम मुसलमान को पाकिस्तानी क्या गलत काम करते हैं, धोखा। कभी सोचा है, हम शॉर्टकट मानते हैं, उस शॉर्टकट में हम लोग पीछे रह जाते। नेल्सन मंडेला जानते हैं सर, उसका एक बड़ा मशहूर कोट है कि इफ यू वांट टू जज एनी सिटीजन पर्सनैलिटीज
ठीक है, तो आप उनकी ट्रैफिक को देखो, हमारी यहाँ पे ट्रैफिक देखते हैं, एक रिक्शे वाले ने गलत कर, जो वो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा जो है ना, एक पर्सनैलिटी वाला कॉटन के जोड़े वाला, वो जो है वो गाड़ियाँ निकाल रहे थे, क्या हो गया उसने जो है वो कर, पेशेंस नहीं है, सबर नहीं है। देखें अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा कुरान में किया किया बना कि भाई मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क दूंगा, किया देन व्हाई रिस्क टेंशन, रिस्क तो सबको मिलना है, लेकिन इफ एज स्टेटमेंट है, अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे ये, ये भी नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूंगा बस नसीब के बगैर और डॉलर बना दूंगा, ऐसा नहीं है, यू हैव टू स्ट्रगल। समझ आ गई? सो फर्स्ट थिंग डेमोग्राफी क्या होती है कि आपको अवेयर किया जाए, ठीक है, अबाउट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज। सेकंड थिंग आपकी क्या होती है कि आपको कॉन्टेंट के हवाले से गाइड किया जाए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि हम लोग फ्री लांसिंग की ट्रेनिंग में आके क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं मशीन ने बात की ना कि बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, उनको उनको उनका गोल ही क्लियर नहीं होता कि भाई हमने बीए में जाना है कि नहीं जाना। ट्रेनिंग दो किस्म की ट्रेनिंग है, ठीक है, एक है फ्री एक है पेड। फ्री में क्या होता है कि भाई आपको जो हम लोग ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं ना, वो वहाँ पे जो EBS की अपने बात की वीडियो सीरीज, वो वीडियो सीरीज आपको मिल जाती है। जो बंदा 80,000 से 70,000 से कम सैलरी वाला है, ठीक है, उसको फ्री में जाती है। जो ज़्यादा वाला है तो ऑब्वियसली ही कैन अफोर्ड, तो वो $160-$200 पे करके EBS ले लेगा, क्लियर हो गया। जब EBS ले लेगा तो वहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है सारा सिस्टम, ठीक है, सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो आपने वहाँ से देख के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देगी। अगर तो आप चाहते हैं कि भाई मैं EBS से नहीं सीख सकता, यूट्यूब से नहीं सीख सकता, तो मुझे जो है वो मेंटर की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करती है, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। चर्चियों की सोबत में बैठोगे चर्ची बनोगे, एंटरप्रेन्योरशिप की सोबत में बैठोगे एंटरप्रेन्योरशिप बनोगे, ऐसे ही होता है। आप अपनी सर्कल को देखो कि आप किस सर्कल में, इफ यू आर इन द रॉन्ग सर्कल चेंज द सर्कल। कोई दोस्त आपका किचन में है ना, वो नहीं संभालेगा, या कोई दोस्त ऐसा है जो कि आपका किचन संभालने के लिए राजी है, जिसके साथ आप बहुत क्लोज है, जरा उसको कहेंगे यार एक साल मेरा खर्चा उठा लो, वो देखो आपको क्या करें। इस वजह से इंसान जो है ना मूव कर लेता है किसके ऊपर, 6 months, यकीन माने कि सिर्फ 6 महीने, नो फ्रेंड्स, नो नेटफ्लिक्स, नो चक्कर, नो नथिया गली, नो KFC, नो मैकडॉनल्ड्स, ओनली 6 months, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई 6 महीने आप अपने आप को दे दें और एक स्किल को पकड़ लें। अगर 6 महीने बाद आपसे कोई नया इंसान ना बने तो मैं मुझे आप सुना देंगे, दैट्स 110% गारंटी। 6 महीने में आपने उस चीज की एक्सेल लेनी है, एक्सेल उसके अगले 6 महीने में उस चीज को इंप्लीमेंट करना है। अगर आप किसी स्किल में जा रहे हैं ना और आप अपने माइंड में एक साल नहीं रख रहे, तो ये आप अपने साथ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामों में होता है कि भाई एक बंदा जो है वो ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उससे अगली किस्त में उसकी जो है वो नौकरी लग जाती है, वाइट कलर AC में बैठा होता है बड़ी चेयर पे, उससे अगली नौकरी में उसकी अम्मी रिश्ता ले जाती है, वो शादी हो जाती है, और उसकी अगली उसमें उसके बच्चे हो जाते हैं, ऐसे ही हो रहा है। अब यही चीज़ हमारे यूथ को जो है ना उसका दिमाग जो है ना घुमा, YouTube पे Facebook पे जो लोग अलग वीडियोस बना के गाइड कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है जितना जो है ना वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इट्स अ टू मच टफ थिंग यार। एक दुकान जब आप यहाँ पे खोलते हो कितने महीने में ग्रो होती है, इयर्स एंड इयर्स। ऑनलाइन बिजनेस को ये तो नहीं है चल पोडर करके बस आप जो है ना वो आओगे और आप जो है वो डॉलर्स होंगे, नो। सबसे पहला रिस्क जो है ना वो फेलियर में, $10,000 लगाए हैं, $10,000 डूब गए तो क्या होंगे। हमेशा तस्वीर के दोनों रुख देखोगे ना, सिर्फ एक को नहीं देखोगे, बस ये डॉलर है और डॉलर आ रहे हैं वो पता करो। समझ आ गई? अच्छा
अच्छा जी, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स, सबसे पहले जो है ना वो इनेबलर्स के रिलांसिंग ट्रेनिंग जो कि बूट कैंप शुरू हो रहा है इसको देख लीजिए। अच्छा, फ्रीलांसिंग में आप सबसे पहली चीज़ जो मेन चीज़ हम लोग ऐड की है वो है बेसिकली प्रेजेंटेशन एंड एथिकल स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स का क्या मतलब है? आप खुद को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेते हैं। आपने अक्सर लोग देखे होंगे ना जो कि लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, ऐसे लोग देखे होंगे जिनको सब कुछ आता होगा, बड़े ब्रिलियंट होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, प्रेजेंटेशन उनकी वीक होगी। प्रेजेंटेशन वीक है तो वो मार्केट में क्लाइंट्स को कैप्चर नहीं कर सकते। जब क्लाइंट्स को कैप्चर नहीं कर सकते तो अनलेस एंड अंटिल वो अपना पैसा नहीं बना सकते। सो प्रेजेंटेशन एंड एथिकल स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपने खुद को ऐसा बनाना है कि भाई लोग आपकी बात सुने, लोग आपकी बात को समझ जाए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाते। और जब सीरियस हो जाओगे ना तब ये चीज आपने खुद को पता होगा। ये आपको सिखाई जाती है कि भाई आपने प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, प्रोफेशनल एनवायरमेंट में कैसे रहना है, ठीक है, व्हाट शुड बी द बॉडी लैंग्वेज, व्हाट शुड बी द टोन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि मैंने आपको बताया कि आपको क्लाइंट्स के लिए, देखें क्लाइंट को ये नहीं है कि क्लाइंट को आप कोई हाथ पाओगे उसे ज्यादा कन्वेंस करो, इट्स ऑल अबाउट योर टंग। आजकल तो चैट जीपीटी से आप अच्छे तरीके से कन्वेंस कर सकते हो। चैट जीपीटी का पता है किसको नहीं पता? कोई ऐसा शहजादा हो, एक शहजादी आ गई, दूसरा कोई है, बताएं, ऑनेस्टली बताएं प्लीज, चैट जीपीटी किसको नहीं पता? सबको पता है क्या होता है? आपको भी नहीं पता, ये आई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, आपको भी नहीं पता चाहिए। ये इसमें सिर्फ एक रीजन है कि आप खुद को अप टू डेट नहीं रखते, ठीक है, खुद को जब तक आप अप टू डेट नहीं रखेंगे ना तब तक जितनी एडवांस चीजें हम आपसे खरीदेंगे। मैं अभी भी गेम्स खेलता हूँ, मैं अभी भी नाटक खेलता हूँ, लेकिन मेरे पास हर चीज की अपनी प्रायोरिटी है और हर एक चीज की अपनी स्ट्रेंथ है। So, chat GPT क्या चीज है बेसिकली? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी जो है ना वो बेसिकली आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना एक टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एल्गोरिथम है ना, ठीक है, आप उनको रिएक्शन देते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अब चैट जीपीटी के थ्रू आप क्या करते हो कि लेट्स सपोज मैंने कोई कॉन्टेंट बनाना है, कुछ कुछ भी किसी को कन्वेंस करना है, मैं चैट जीपीटी को कह देता हूँ कि भाई दिस इज स्टेटमेंट, ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक करता हूँ, बताएं आपने किसी चीज को अगर फेस करना, दे हाउ टू कन्विंस अमेज़न प्राइवेट लेवल क्लाइंट्स एज अ